गुड मॉर्निंग भाऊ लोग, कैसे है दोस्त? भाई हमारा संडे का वीडियो होता है और आपके लिए तो आना ही पड़ता है यार, संडे को क्या करें। इस बार कुछ ऐसा विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी अपना जो रूटीन, जो वीकली अपडेट होता है या वीकली जो वीडियो होता है, वो हम लोग को डालना होता है, क्योंकि ये हम लोग का कर्तव्य है। भाई ये जो मुकाम है, जिस लेवल पे आपने मेरे को खड़ा किए 1000 सब्सक्राइबर के ऊपर में, ये सब आपकी ही कृपा दृष्टि है मेरे भाई। तो आज के ट्रिक्स और मेडिसिन में मैं बस इतना बताऊंगा, दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो बेवकूफों, कोरोना कम हुआ है, गया नहीं है। इस तरीके से बिहेव कर रहे हो तो जल्दी ही तीसरी लाट आएगी, मतलब थर्ड वेव आएगा, जल्दी ही आएगा। इस प्रकार से सब लोग अगर बर्ताव करेंगे। दूसरी बात ये कि आप लोग को अगर गवर्नमेंट उंगली देते हो तो आप सीधा हाथ पकड़ के सर पे उठ के ऐसी तातिंदा तातिंदा करते हो, मस्त लगता है मेरे को। इसलिए तो वी आर प्राउड टू बी इंडियंस है ना। बहुत से मेम्स भी देखता हूँ मैं आजकल। तो भाई ऐसा है कि मेरे को एक बंदे ने एक क्वेश्चन पूछा था कि फंडेल का ब्रीडिंग के लिए टेल कट करना पड़ता है क्या। तो भाई ऐसा है कि ब्रीडिंग के लिए फंटेल का जो टेल है कट नहीं करना पड़ता। इशू तब आता है जब मेल फीमेल पे चढ़ रहा है क्रॉस कर के लिए, लेकिन क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइम में टेल कट करना पड़ता है। और टेल कट करने के लिए सिंपल है, आप कैंची ले लो और उसके जहाँ से पर निकल रहे उसके नज़दीक से आप काट लो। यही ट्रिक्स है और टिप्स है। दूसरी एक बात कि अभी के मौसम में मौसम बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। जो बेवकूफ लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं किया होगा वो लोग अभी बहुत पछताएंगे, क्योंकि उनके यहाँ पे बीमारी शोर शॉर्ट आएंगी ही आएंगी। ये तो रिटर्न ऑन रिटर्न है, ये होगा ही होगा। तो भाई ऐसा है कि बीमारी ना, इसलिए सब लोगों ने वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब वेदर चेंज हो गया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी अगर फास्ट एंड हास्ट अगर करना होएगा तो लसोटा का वैक्सीनेशन कर लो। दूसरी एक बात कि वैक्सीनेशन करना कब है, बीमारी आने के 10 दिन के पहले 15 दिन के पहले वैक्सीनेशन करना है। मैं इतने बेवकूफ़ लोगों से मतलब यार बात होती है आजकल कि बीमारी आने के बाद में अब मेरे को बताओ, बीमारी आने के बाद में कोई वैक्सीनेशन करता है क्या यार? बीमारी आज आपको टीका दिया और आपको 2 दिन के पहले कोरोना हो चुका है, तो वैक्सीनेशन क्या करेगा, काम करेगा क्या अंदर में जाके? क्या कुछ भी लोग दिमाग लगाते हैं यार, बोलते यार वैक्सीनेशन काम नहीं कर रहा है, कुछ तो भी मतलब कुछ भी साला क्या चूतिया पे पड़े हुए। अरे भाई ऐसा मत करो, वैक्सीनेशन करना है तो तुमको बीमारी आने के 10 दिन 12 दिन के पहले करना है। आप बोलोगे मेरे को कैसी पता कि बीमारी 10 दिन के 12 दिन के बाद में आने वाली है। अबे यार जब मौसम चेंज हो रहा है, पता है कि मौसम चेंज होने वाला है, तो उसके 15 दिन के पहले आप लोग वैक्सीनेट कर दिया करो अपने कबूतरों को। दूसरी बात भाई, सबसे बड़ी और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ आपको, बीमारी आने के बाद में वैक्सीनेशन नहीं करना है, बीमारी के आने के बाद में मेडिसिन का डोजेस चलाना है, एंटीबायोटिक्स का डोजेस चलाना है। एंटीबायोटिक्स का डोजेस होने के बाद में फिर उसको मल्टीविटामिन का डोजेस चलाना है, क्योंकि अगर वो कोई बीमारी में गया है तो थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ में आने के लिए उसको थोड़ा सा सब्र लगता है, यानी वो समय लेता है, या हो सकता है वो पूरी तरीके से ठीक होने के बाद में भी कभी कभी यार ब्रीडिंग के लिए भी वो समय लेगा। अगर अंदर से फिट ही नहीं होएगा तो ऐसा थोड़ी एकदम से ब्रीडिंग करना चालू कर देगा। एक बात, दूसरी बात ये कि मेरा वीडियो देख के अगर तुम लोग शौक चालू कर रहे हो तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि शौक करना है तो अपने दम पे करो। दम है चिचड़ी साफ करने का, मतलब उसकी जो बीट है वो साफ करने का, अगर तुम में दम है उसको साफ करके पोते में डाल के कचरा पेटी तक के जाके फेंक के आने का दम है, तब शौक करो। फिर उसके बाद में तीसरी बात, तुमने शौक किए लालच में आके किए या शौक के लिए शौक किए, ये दो चीज़ डिफाइन करो। तुमने शौक के लिए शौक किए हैं तो बेचने की उम्मीद मत करना, तुमने लालच में आके शौक किए तो बेचने की उम्मीद फिर भी मत करना। क्यों? अरे इनका समय आए बगैर ये बिकने वाले नहीं हैं।
समझ गया, इनका समय आए बगैर ये कोई बिकने वाले नहीं है। ये ऐसा है कि भैया जिसको पसंद आ गए दुल्हन उसकी, समझ गया मैं क्या बोला हूँ, जिसको पसंद आए तो दुल्हन उसकी, ये वाली चीज़, ये वाली हरकतें इसमें होती है। मतलब बोलने का यही था कि जिस बंदे से आप माल ले रहे हो, जो भी आदमी है, आप उसी को बोलो ना भाई मेरे को बेचने का है, तो तुम्हारी 10,000 का पैर अगर आप उससे लोगे ना तो उसी को बेचोगे ना तो साला 5,000 भी नहीं बोलेगा वो। मेरे को तो मुंह पे बोलता है कि मैंने 10,000 का पैर उससे लिया था सामने वाले से, यार अपने को नाम नहीं बताने का, तो वो मेरे को बोलता है कि 5,000 में मेरे को कभी भी चलता है। ऐसी ठोक के मारते ना भाई, बस ये लाइन ही ऐसी, और घूम फिरा के सब एक ही जगह पे आते हैं। मैं तुमको ये बताता हूँ, घूम फिरा के सब लोग एक ही जगह पे आते हैं, तो थोड़ा सा संभल के चलो इस रास्ते पे, थोड़ा सा संभल के, हरा हरा देखो मत, पहले ये प्रिपेयर करो तुम तैयार हो क्या, तुम्हारे को समय है क्या, है ना। और समय है तो बहुत बढ़िया, चुतिया पे करते रहो, खाली पीली मत बैठो, थोड़ा दिमाग को शांत मत करो, मस्त काम करो, एक नंबर। कैसा है कि मेरे को शौक है भाई, बिकेगा तो ठीक है, नहीं बिकेगा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है, सब लोगों को पता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि भाई मैं अभी पहले ही बताऊं, मैं किसी का भी कॉल अभी रिसीव नहीं कर रहा हूं, मैंने कॉल रिसीव करना बंद कर दिया सब लोगों का। मेरे को पहले व्हाट्सअप पे बताए क्या प्रॉब्लम है, बीमारी का वीडियो भेजे क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद में मैं अगर मेरे को समझता है तो मैं बताऊंगा कि भाई हाँ मेरे को कॉल बैक करें, ठीक है। और 100 रुपीज़ मेरी फीस है जो गूगल पेमेंट फ़ोनपे से मेरे को ट्रांसफ़र होगी, उसके बाद में मैं आप लोगों से बात करूँगा। बात कर लेते आधा घंटा ले लेते, एक घंटा ले लेते, और साला समझ गए ना, हाँ भाई मैं ट्रांसफ़र करता हूँ, जय जय भगवान, जय कृष्ण हरी। तो चलो भाई आज का वीडियो चालू करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, और मेरे ऐसे ही सब्सक्राइबर बढ़ते रहे, इसमें से मेरे को 2 रुपये 54 58 मिलने वाली तो है नहीं, बस शौक है, जियो का नेट है और मैं मोबाइल क्या यूज़ कर रहा हूँ, बस रियलमी का 8 प्रो यूज़ कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया मोबाइल है भाई, तो बेचने की इच्छा भी फ़िलहाल नहीं है क्योंकि वीडियो भी बहुत अच्छा बन जाता है और क्लियरिटी भी बहुत अच्छी आ जाती है इसमें। तो मेरा एक ही था इसका चालू करने का ही मकसद, एक्चुअली चैनल का एक ही था कि अपना जो मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके सामने रखो, और मैंने बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस जो है ना आप लोगों के सामने रखा, मेरे को मालूम है ये चीज़, और मेरे बहुत से एक्सपीरियंस की वजह से बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है, तो थोड़ा सा आप लोग नोटिस करो। चलो भाई वीडियो चालू करते हैं। ऐसा है कि आप लोग तो देखते रहते ही है कि मैंने इस वीक्स में बहुत से सेल आउट के लिए डाला हुआ है, तो ऐसा है कि मैं इसलिए डाला हुआ है कि भाई मेरे को बेचने की उम्मीद है, ऐसा नहीं है मेरे को बेचने की उम्मीद है भी और नहीं भी, जिसको रेट पटेगा वो लेगा, लेकिन कैसे दुकानदार लोग बहुत गिरी हुई कीमत में लेते हैं और आपको बहुत ऊंची हुई कीमत में बेचते हैं, तो मेरा वो डालने का बस एक ही रहता है, मैंने ये भी पेयर डाला हुआ है वहाँ पे, ये जंबो इंडियन फंटल, तो मेरा जो है ना वीडियो डालने का एक ही मकसद है कि मैं ना दुकानदार को उस कीमत में बेचते हुए मेरे को भी 2 रुपये का प्रॉफिट हो जाए और आप लोगों को भी बहुत सस्ती कीमत में मिल जाए वो चीज़, है ना। तो ऐसा है, तो यहाँ पे जो है ये चीज़ जो है इतना बड़ा हो चुका है भाई, और ये चीज़ सपना ये भी अच्छा खासा डेवलप हो चुका है, और ये भी अंडा ले करेगा, और ये मेरा राजा ब्रिड का पेयर, मेरा मास्टर पेयर, माशा अल्लाह पेयर। इसके पास मैंने पॉटर के अंडे रखा हुआ है, जो अपना जो पेयर है उसी के अंडे रखा हुआ है। एक्चुअली एक टिप्स मैं आपको और भी बता दूँ, कभी भी अंडा एक्सचेंज करने के बाद में फटक से उसका जो अंडा रहता है ना वो उठा के खाली नहीं करना उसको, जिसके पास से मतलब मैंने जैसे इसका अंडा उठा के उसके पास में रख दिया, तो उसका अंडा, इसका जो अंडा है वो फोड़ने की जगह पे या फेंकने की जगह पे उसके पास में 5-6 दिन रख दूंगा मैं, ऐसा ऐसा करने का, ध्यान में रखो थोड़ा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये अभी जो रेड कलर का फंटेल है उनके चिक्स जो है इतने बड़े हो चुके हैं अभी, ये देखो मैंने इसके पास में फिर भी अंडा रखा हुआ है, देख रहे हो ना, फिर भी मैंने अंडा रखा हुआ है इसके पास में, ये उठा के फेंक दूंगा मैं कुछ दिन में,
और ये अपना जम्बो साइज का फंटेल का पेयर, ये एक्चुअली मैंने सेल आउट के लिए निकाला हुआ है। और यहाँ पे भी जो है वाइट पर्पन, एक्चुअली ये वाइट पर्पन का क्रॉस है राजा ब्रीड से। इसके पास में दो अंडे में से दोनों बच्चे निकल चुके हैं, दिखाता हूँ आपको। बहुत हेवी साइज में, बहुत हेवी साइज में। जो भाई लोग आए हैं ना मेरे पास में विजिट किए हुए ना, जैसा मनीष भाई आए थे नागपुर से विजिट किए, वो मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं। मैं चाहूँगा भाई वो लोग ना मेरे चैनल पे आके कमेंट करें, लोगों को बताए सच्चाई क्या है, मेरे पास में कितना बड़े साइज के कबूतर है, बताए कि मैं जो बोलता हूँ वो सच है या झूठ है। यही मैं आप लोगों से दरख्वास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है। ऐसा कुछ नहीं भाई कि मैं बिकना ही चाहिए, मेरे पास का बिकेगा कबूतर, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जो मर्जी हो तो हो जाए। मैंने ये शौक इस काम से चालू नहीं किया था कि हाँ मैं इसको बेचूँ या हाँ मैं इसको कुछ ये करूँ। और एक पेयर यहाँ पे है और इनके बच्चों को मैं हैंड फिट कर रहा हूँ। एक्चुअली इन्होंने क्रॉस कर से फिर से अंडा ले किया था, तो फिर से मैं इनको ये जो बच्चे इनको मैं हैंड फिट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक है दिखा रहा हूँ मैं आपको, इन लोग को डेली बेसिस पे, ये जो चिक्स है इन लोग को डेली बेसिस पे हैंड फिटिंग करना चालू है, डेली बेसिस पे। बचा लूँगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन लोग को निकाल लूँगा मैं बाहर में, परफेक्ट चिक्स हैं। और इस बार जो इसके जो येलो कलर का था और सिल्वर कलर की फीमेल थी, इसके जो बच्चे थे यार वो हर बार इस कलर में निकलते थे, इस कलर में चॉकलेटी मिक्स है ना। तो अभी जो बच्चा निकले हुए ना दोनों, ये येलो कलर का बहुत जोर से लगाया मैं, देखो हाथ को, क्या मस्त पोटा इसको यार फुल किया हुआ इनको यार, सही में बहुत बढ़िया। कोई कोई पैर ऐसा रहता है ना साला, बच्चों को बहुत बढ़िया पालते हैं, बस उसी में से ये एक पैर है मेरा जो कि बच्चों को बहुत बढ़िया पालता है। तो मैं ये बोल रहा था भाई इस टाइम में जो इन्होंने बच्चे निकाला है ना, दोनों येलो कलर के निकाला हुआ है, बहुत बढ़िया, मेरे पास में नहीं था। ये लाहौरी ब्रीड है, बहुत सही, इसको मैं अपने पास में रखूँगा, सिंपल तो है। वैसे भी मैंने ये तीन रखा हुआ है ब्लैक कलर के, आप लोग को पता है ना, तीन ब्लैक कलर के रखा हुआ है मैंने। ये साफ सफाई करना पड़ेगा दो तीन दिन के बाद में। और ये पेयर मेरा सेल आउट हो चुका है, लेकिन फिर भी इसने एक अंडा ले किया हुआ है और कल परसों एक अंडा ले करेगा शायद से। और ये इसका मेल है, परफेक्ट है, अभी पूरा परफेक्ट आ गया, मैंने बाल खींचा था इसके पीछे से पूरे, ठीक है। और क्या बताऊँ मैं तुम लोग को, इसके भी पास में पाउडर का रखा हुआ है मैंने अंडे, इसके पास में पहले रखा था फिर उसके पास में रखा हुआ है, नहीं तो बोलूँगे यार दो दो एक साथ में कैसे। तो भैया 15 दिन का तो समय लेता है कम से कम, मैं देखूँगा इसको रात में चेक करके इसके अंदर में जान थी या नहीं है बच्चों की। और ये अपने यहाँ का निकला हुआ शिराजी है भाई, ब्लैक कलर वाला पट्टों का। और इसने शायद से मेरे को लगता है ये बिल्कुल परफेक्ट पेयर है मेरा, कौन सा ये वाला, ये साला बच्चे निकालता है, मतलब निकालता है साला, किसी के भी बच्चे रख दो, मैं तो बोलता हूँ इसके पास में मोर का अंडा रख दो साला, ये मोर का बच्चा बाहर के निकाल के दिखा देगा तुमको। ये जब से है ना तब से कभी भी एक बार भी, ये देखो है ना, देखो अभी एक बच्चा है यहाँ पे, एक बच्चा है, दूसरा भी बच्चा हो जाएगा। इसमें अंडे पलटाया था मैंने, तुम लोग को तो पता ही है मैं ही एक ऐसा आदमी जो हर बड़ा में अंडे ही पलटाते रहता हूँ। ये वाइट पर्पन की जो तुमको बोला था बड़े साइज वाला, उसके रखा हुआ है। ये तो अपने ही अंडे लेके बैठी हुई साला, पता नहीं बहुत जल्दी जल्दी अंडे छोड़ रही है ये, देखते अब। मैं एक ही रिक्वेस्ट था कि जो भाई लोग मेरे पास में आए जो मेरे फॉर्म को विजिट किए हुए, जो फॉर्म को विजिट किए हुए जो मेरे पास में आए, अबे साला इसके अंडे अभी पलटाया मैंने, आज पलटाया, फिर से क्रॉस करना चालू। एक्चुअली मालूम क्या, आप लोग को मैंने बताया था ना कि आप डेली कुछ ना कुछ तो भी मल्टीविटामिन दिया करो, बस ये उसी का नतीजा है, साले गर्म ज़्यादा चलते ही है। आज का वीडियो थोड़ा अलग ही बन रहा है, मेरे को मालूम है मेरी लैंग्वेज थोड़ी नर्म ना होती हुई डायरेक्ट एडल्ट की ओर ज़्यादा जा रही है, तो भाई क्या करूँ,
आपके सामने दिख रहा है साला, आज ही मादी को उसने उसको मैंने खाली किया, आज ही दो अंडे उठाया, आज ही से मेटिंग करना चालू कर रहे हैं ये मेरा जंबो साइज का मेल। होता है कोई 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 में क्या होता है विटामिन्स की मात्राएं ज़्यादा हो जाती है, नहीं क्या भाई? आप लोग यार कमेंट किया करो तो यार, मेरे को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ना। ये 1000 रुपये पीस के हिसाब से भाई, ये लोग ये वाला शीरा जी, ऐसे 3 पीसेस है मेरे पास में, साइज में बहुत बड़ा है, अभी भी बता रहा हूँ, बिकेगा तो ठीक भाई, नहीं बिकेगा तो अपने पास में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ऐसा नहीं है, मैंने ये शो को हिसाब से चालू ही नहीं किया था कि मेरे पास में बिकना ही चाहिए। तुम लोग को आने वाले टाइम में इतने सस्ते कबूतर बेचने वाला हूँ ना मैं, ये पाउडर जो लोग लेते हैं ना, ये 12,000-10,000 रुपये, साला देखना मैं कैसा रेट तोड़ के बेचने वाला हूँ तुम लोग को। बस एक बार मेरे पास में आनंद हो ब्रीड, फिर देखता हूँ मैं क्या मार्केट में रेट है, वो हिसाब से मैं तोड़ के बेचता हूँ। ये भी एक पेड़ है, एक्चुअली ये जंबो इंडियन फंटर्स के 5 पेड़ थे मेरे पास में, 2 सोल्ड आउट हो गए 5,000-5,000 रुपये के हिसाब से, और अभी जो है 3 पेड़ बचे हुए, तो मैंने एक पेड़ रखा हुआ है, कौन सा वाला, एक पेड़ ये रखा हुआ है मैंने, और 2 पेड़ मतलब ये एक जो है और एक जो है ये मैंने बेचने को निकाल दिया हुआ है। और आप लोग को यार दिख रहा है ना, यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ मैं साथ में, ऐसा नहीं है कि नहीं डाल रहा हूँ। इवन हाइट मध्ये पण मोठा आहे, आणि हे पण मुरट पेयर आहे, 4 वर्ष जुना पेयर आहे माझ्याकडचा, इवन याच्यापेक्षा हाईट मध्ये पण मोठे आहेत हे, ते पण बघा, साईज तर ठीक आहे पण हाईट पण पहा, हाईटला पण मोठे आहेत। क्लिअर कंपॅरिझन आहे की इंडियन फंटेल अजून जम्बो इंडियन फंटेल मध्ये काय डिफरन्स आहे, क्या डिफरेंस है जम्बो इंडियन फंटेल में और इंडियन फंटेल में, जब आजू बाजू को रखूँगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये मेल है वाइट वाला और वो फीमेल है, एक्चुअली ये फीमेल है जम्बो इंडियन फंटेल की और वो मेल है, तो आपको समझ गया। इवन इनसे हाइट में भी बड़ा है, साइज में तो बड़ा आपको दिख रहा है, पर में भी बड़ा आपको दिख रहा है, हाइट में भी बड़ा है। क्लियर साइज कंपैरिजन बिटवीन इंडियन फंटेल्स एंड जंबो इंडियन फंटेल्स। ये लो वाला है, इसको भी ये लो वाला, देखो उसके बाजू में वो है, उसका साइज देखो और इसका साइज देखो आप लोग, ऐसा ही फीमेल है। भाई लोगों का चैनल अगर आपको पसंद आया होगा, मेरा नाम है अंकित और आपका दोस्त, आप लोग को चैनल पसंद आया होगा तो भाई यार लाइक तो कर दिया करो, कमेंट छोड़ दिया करो, और शेयर करना तो यार आप लोग का फर्ज है। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीकली, और हाँ वीकली अपना तो संडे का वीडियो रहेगा जरूर, लेकिन बीच में जो भी सेल आउट के लिए रहता है ना वो तो उसका वीडियो मैं डालते रहता हूँ। देखो भाई जो भी है दिल खोल के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है मेरे को दिल खोल के पूछो, मैंने क्वेश्चन आंसर सीरीज रखा था, कोई था ही नहीं, 1-2 बंदे थे बस, कोई क्वेश्चन आंसर हुआ ही नहीं तो मैं क्या बोलूँ उसमें, अकेला क्या बोलने वाला हूँ। तो मैंने ये बोला यह तो अपना अकेले की चूतियापा है और चूतियापनती है। तो चलो भाई मैं रखता हूँ, मेरा एड्रेस प्रॉपर मैं तुमसर महाराष्ट्र का हूँ, ठीक है, और कोरोना से जंग अभी जारी है और हमको इस जंग में जीतना है सब लोग को मिलके, तो इस प्रकार से मत करो, जैसा कि कोरोना कम हो चुका है तो लोग सीधा वही, कोई बांधने को ही तैयार नहीं है, सब ऐसे ही घूम रहे हैं बाहर में, बांध रहे होगे भाई, मैं जो यहाँ पे मेरे लोकली में देख रहा हूँ मैं वही चीज़ आप लोगों को भी बोल रहा हूँ,
और शायद मेरे को लगता है कमेंट करके बताओ आपके भी एरिया में क्या चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है घुसुर पुसुर या प्रॉपर लोग मास्क बांध के चल रहे बिहेव कर रहे हैं। ठीक है चलो भाई रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट संडे के वीडियो को। वीडियो कैसा लगेगा यार भाई को जरूर बताया करो, मेरे को अच्छा लगता है। आप लोग का एक कमेंट मेरे को बहुत इंस्पिरेशन देता है भाई, बहुत इंस्पिरेशन देता है। तो वीडियो किया करो।